हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जा रहे हैं भुवना देवी मंदिर, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आज नवरात्रा का नौवां दिन है और मैं अपने सब दोस्तों के साथ जा रही हूँ। गोलू ने आना था, लेकिन गोलू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कल उसका इंग्लिश का पेपर है, इसलिए वो नहीं आया। मैं दिखाती हूँ अपने दोस्तों को। हाँ, हेलो दीदी, कैसे हो आप सब लोग। आज बताओ जरा, आज आप लोग कहाँ जा रहे हो। हम मंदिर जा रहे हैं। अच्छा, कौन सा मंदिर जरा बताओ दीदी जरा। हम जा रहे हैं गुजरुपट्टी के भुवन देवी मंदिर। अच्छा, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। चलो आज देखते हैं जरा, आपको दर्शन कराएंगे। हाँ ठीक है फिर। और यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर बीच रास्ते में। और ये रही हमारी गाड़ी। गाइज ये देखिए, ये है गौलीखाल मार्केट और यहाँ से ले रहे हैं हम लोग फ्रूट। और ये पहुंच चुके हैं हम भुवना देवी मंदिर। जोर से बोलो, जय माता की। और ये रहा मंदिर का मेन गेट। जय माता की। असली भगपति वो देगा था वो वक्त। अच्छा, ये पेड़ की लकड़ी से। अच्छा, ये पेड़ भगपति अवतार जो हमारे जो खानदान में पूर्ण हो जाए। अच्छा, तुम्हें भवन का साथ। हाँ अच्छा, वो जिन वो शिकार हो गया जम्मू था पहले। हाँ, तो जम्मू था वो तुम भाग कर वो अब वो घास पैर के आते कर जाने अब वो डॉ कर अच्छा वो डॉ कर जाए तब उसको हम चल गए। आज भगत से। अच्छा भगत ही सोन। अच्छा, सोन होने की जो जो बड़ भैंस है काम भी है। और पहले वो कुर्ता वो बंद हो वो सामने तो मेरी पूरी हो गया लोग नागरगढ़ी ना जमीन के सारे चारों हाथ पर हमने अपनी लाइफ में खुद देखा है। हमारे गाँव में पैदल पैदल आते थे, ये फौजी था आर्मी किसी जगह फंसा हुआ था, वहाँ पुकार के देवी को वो रिटायरमेंट पर घर पर आकर शांत हो गया। देवी आई सबने वो चारों हाथ पैर करके जितना उसका हाथ पड़ता था ना जमीन में लेट गया और नागरगढ़ गया था तो नागरगढ़ गया है। देवी ने बोला वैसा आएगा कैसे भूल गया मेरे को। तो हमने अब देखा मतलब क्या इसका डॉक्टर इलाज नहीं हुआ ना वो यहाँ से सफल होके गया है। अगर थोड़ा सा बिगड़ा होगा तो यहाँ पर हुआ है। ये रहा मंदिर का प्रांगण। पहले तो ये बड़े रामनगर का मुरादाबादी सुंदर राज है ना। चाय की व्यवस्था हो रही तभी तो अभी चाय पियेंगे।